असलमकुम दोस्तों मैं ख्वाजा महरान महरान ऑफिशियल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ तो दोस्तों आज के विज़िट के बारे में आपको बताता चलूँ आज हमारा जबल रहमा का विज़िट है जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसे ही जबल रहमा बोलते हैं और इसे ही जबल अरफात भी बोलते हैं तो दोस्तों अभी हम इस जबल यानी कि पहाड़ के ऊपर जाएंगे और इन शाह तहाँ से मैं आपको पूरे मैदान अरफा का विज़ट करवाऊँगा और इसके मतलब बहुत अहम बातें बताऊँगा तो चलते हैं अपने विज़िट को शुरू करते हैं हाँ जी दोस्तों तो अब हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ के बीचों बीच से ये सीढ़ियों का रास्ता है पहाड़ की टॉप तक जाने का तो इस पहाड़ के मतलब सबसे पहले आपको बता दूं कि इसे जबल आराफात भी बोलते हैं इसे जबल रहमा भी बोलते हैं यानी कि रहमत का पहाड़ और वो जो आप बिल्कुल ऊपर वाइट पिलर देख रहे हैं ये हमारी डेस्टिनेशन है इन शाली अभी हम कुछ ही देर में ऊपर पहुंच जाएंगे। छोटा सा पहाड़ है और सत्तर मीटर हाइट है इस पहाड़ की और ये आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं इस पहाड़ से माशाला हरम की रौन के कोविड के बाद बहाल होते ही यहाँ पर लोगों का रश नज़र आने शुरू हो गया है और ये तकरीबन मैं अब आधे पहाड़ तक पहुँचने वाला हूँ और ये अब आप एक बार फिर से नीचे का नज़ारा देखें खूबसूरत दिलकश नज़ारा और ये अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा भी ये थोड़ा सा ये पीस रह गया है सीढ़ियों का और यहाँ से इस वाइट पिलर तक हम पहुँच जाएंगे जो इस पहाड़ की टॉप है और ये आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी चट्टानें ये अब मैं इसकी टॉप पर पहुंच चुका हूं यहाँ पर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिल जाते हैं और ये है वो वाइट पिलर जो अभी हम नीचे से देख रहे थे तो पहले मैं आपको इसके मतलब बता देता हूं कि अरब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये जो वाइट पिलर है ये वही स्पॉट है जिस जहां पर हज़रत आदम आम और हज़रत हव्वा जब इन्हें जन्नत से उतारा गया था तो इसी जगह पर उनकी मुलाकात हुई थी और दूसरी बात ये है कि इसी जगह पर उनकी तोबा भी कबूल हुई थी ये पूरे अरब में जो है ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत अहम बात भी बताता चलूँ कि कुरान और हदीस से इसकी कोई दलील नहीं मिलती चूँकि अरब में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और यहाँ के लोग इस बात पर इस बात को मानते हैं कि ये ऐसा ही हुआ था इस जगह पर तो अब मैं आपको जो है मैदान अराफात दिखा देता हूँ ये जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये सारा मैदान अराफात है और इसके मतलब पहले आपको बता दूं कि हज के दूसरे दिन यानी कि नौ ज़िलह हज को हजाज क़राम मिना से अरफात की तरफ आते हैं यानी कि इस मैदान में आते हैं और यहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है और बताता है, चलूं कि जो कोई इसको मिस कर जाता है तो इसका मतलब है कि उसका हज इनकम्प्लीट हो जाता है जैसा कि नबी पाक सल्ला वसम की हदीस है कि हज जो है वो अराफात है यानी कि यहाँ पर वक़ूफ करना बहुत ज़्यादा अहम है और और ये जो योम अरफा है इसकी इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है जैसा कि एक और रवायत है हज़रत आशा रज़ी अल्लाह ता फरमाती हैं कि नबी पाक वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन अल्लाह ताला अपने बहुत से बंदों को आग से आज़ाद फरमाता है और अपने बंदों के बहुत ज़्यादा करीब होता है और अपने बंदों की वजह से फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है और पूछता है कि मेरे ये बंदे क्या चाहते हैं एक और रवायत आपको बताता चलूँ जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जंग बदर वाले दिन के बाद योम अरफा ही वो दिन है जिस दिन शैतान बहुत ज़्यादा जलील बहुत ज़्यादा गमकिन बहुत ज़्यादा अफसरदा और बहुत ज़्यादा गु़े में होता है क्योंकि इस दिन वो यानी कि योम अरफा के दिन वो देखता है कि अल्लाह ताला की कितनी रहमत बरस रही होती है अपने बंदों के ऊपर और अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों के बड़े बड़े गुनाहों को इस दिन माफ़ कर देता है और आपको बताता चलूँ कि यम अरफा का रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा अफजल है जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपका योम अरफा के दिन रोज़ा रखने के बारे में क्या ख़्याल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि योम अरफा वाले दिन जो कोई रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसके पिछले साल के गुनाह और अगला आने वाले साल के तमाम गुनाहों को मिटा देता है लेकिन जो लोग इस मैदान अरफात में यानी कि हज के दौरान यहाँ पर मौजूद होते हैं अल्लाह के नबी ने उन्हें रोज़ा रखने से मना फरमाया तो दोस्तों अब मैं आपको एक आखिरी बड़ी ही ख़ूबसूरत हदीस सुना देता हूँ जैसा कि रसोल्ला सल्ला वसम ने वक्ूफ़ अरफात में अपनी उम्मत की मखफ़रत के लिए दुआ फरमाई तो कबूलीत का जवाब आया कि मैंने हकूकल आबाद के सवाब बाकी सब गुनाह माफ़ कर दिए क्यों ना कि मैं इससे मज़लूम का हक़ लूँगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया या अल्लाह अगर आप चाहें तो मज़लूम को जन्नत अदा कर दें और ज़ालम को बखश दें लेकिन इस क़ियाम में आपकी दुआ कबूल ना हुई तो जब मुजलफ़ा में सुबह की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को दोबारा दोहराया तो आपकी दुआ कबूल कर ली गई और रावी तो यहाँ तक बयान करता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराने लगे तो अबू बकर उमर ने अर्ज़ किया कि मेरे वालदे आप पर कुर्बान हों ये तो ऐसा वक़्त नहीं यानी कि इस वक्त में आप नॉर्मली तो मुस्कराते नहीं होते आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह के दुश्मन अबलीस को जब पता चला कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और मेरी उम्मत को बख्श दिया तो वो अपने सर पे मट्टी डालने लगा और तबाही व हलाकत को पकारने लगा जब मैंने इसकी बेबसी देखी तो मुझे हंसी आ गई तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के दौरान चार उम्रें और एक हज किया था तो दोस्तों अब मैं आपको इस जबले रहमा का पूरा एक राउंड ट्रिप करवा देता हूँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अपने दोस्त ख्वाजा मेहरान को इजाज़त दें अपनी दुआओं में याद रखें अस्सलामुअलैकुम वरम्ल